हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर आप इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कीजिए, और अगर आप हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन हमको मुँह से बोलकर कबूल करते हुए प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। ब्लेसड फादर, थैंक यू फॉर द प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेयर बाय विच आई एक्सरसाइज माई अथॉरिटी इन क्राइस्ट to activate and walk in the consciousness of the divine presence and enforce your will in the earth. I am an effective intercessor through the word of faith and earnest, heartfelt, continued prayer. I declare that the nations and leaders of the world are under the divine influence of your mighty power. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, धन्य पिता, तेरा धन्यवाद हो इस आदर के लिए और अवसर के लिए प्रार्थना का, जिसके द्वारा मैं अभ्यास करता हूँ मेरे अधिकार को जो मुझे मसीह में है, जिसको क्रियाशील करके और उसका ध्यान रखते हुए चलते जो ईश्वरीय उपस्थिति है उसकी मुझ में, और मैं तेरी इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर बल के साथ लाता हूँ। मैं प्रभावकारी प्रभाव से भरा हुआ मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला हूँ, वचन के द्वारा जो मुझ में विश्वास है और पूरे आंतरिक मन के साथ, तत्परता के साथ और लगातार प्रार्थना के साथ मैं प्रभाव करने वाला मध्यस्थी का वचन के द्वारा जो विश्वास है उसके द्वारा मैं प्रभाव से भरा हुआ मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि राष्ट्र और हर एक नेता जो जगत में है वह ईश्वरीय प्रभाव के नीचे है, जो तेरे सामर्थ्य का ईश्वरीय प्रभाव है। यीशु के नाम में आमेन। आज जो हमको मनन करने के लिए वचन मिला है, आज जो हमको मेडिटेट करने के लिए वचन मिला है, कोलोशियंस 4:2 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से, 1 Thessalonians 5:17, Ephesians 6:18। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है, कुलोसियों की पत्री 4:2, जो हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से, लेकिन ख़ास तौर पर इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से इस वचन को पढ़ेंगे, और फिर 1
एक पहला तेसलोनियों की पत्री 5:17 और इफेसियों की पत्री 6:18। ये दोनों वचनों को हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तो सभी वचनों को हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। कोलोशियंस 4:2 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से हम पढ़ेंगे, जो विस्तारित बाइबल कहा जाता है इंग्लिश में वो एम्पलीफाइड कहा जाता है, एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन। बी अर्नेस्ट एंड अनवियरीड एंड स्टेड फास्ट इन योर प्रेयर लाइफ, बीइंग बोथ अलर्ट एंड इंटेंट इन योर प्रेइंग विथ थैंक्स गिविंग। विस्तारित करके जो वचन यहाँ पर लिखा गया है 4:2, कोलोसियों की पत्री 4:2, कोलोशियंस 4:2, जो विस्तार करके लिखा गया है वो इस प्रकार से है। मैं आपको ये विस्तार क्या है वो मैं बताती हूँ हिंदी में, कि तत्पर रहना है और थकना नहीं है, अकना नहीं है, और बिल्कुल तत्पर रहकर प्रार्थना जीवन में रहना है, और दोनों भी होना है। आपने सावधान भी रहना है और जो प्रार्थना के मकसद है वो भी आपको जानते हुए रहना चाहिए, और धन्यवाद के साथ आप होना चाहिए। इतना विस्तार करके वो वचन को बताया गया है। अगर ये वचन हम अपने BSI बाइबल हिंदी में पढ़ेंगे तो कोलोसियों की पत्री 4:2 हम पढ़ेंगे, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। बस इतना ही दिया है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो इस प्रकार का फर्क रहता है विस्तारित बाइबल में और हम जो साधारण बाइबल पढ़ते हैं उनके भाषांतर करने में। ठीक है, अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 Thessalonians 5:17। 1 Thessalonians 5:17। Pray without ceasing. पांच अध्याय, पहला तेसलोनियों की पत्री 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एफिशियंस 6:18। और अब हम पढ़ेंगे एफिशियंस 6:18। एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन वेयर इन इज एक्सेस बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। एंड बी नॉट ड्रंक विथ वाइन वेयर इन इज एक्सेस बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। अब हम इफिसियों की पत्री उसका 6:18 पढ़ेंगे, हर समय और हर प्रकार से। मैंने कौन सा वचन पढ़ा? ओह नो, ठीक है, मैंने इंग्लिश में जाकर दोबारा पढ़ना है उसको। एफिशियंस 6:18। ओके, 6:18, मैंने जो पढ़ा वो 5 को पढ़ा था। ओके, तो 5 नहीं, हमको 6 का 18 पढ़ना है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक।
हम राइट वर्स पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर 6 का 18 वर्स। पहले जो मैंने पढ़ा वो चैप्टर 5 का पढ़ा था 18 वर्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 का 18 वर्स। प्रेइंग ऑलवेज विद ऑल प्रेयर एंड सप्लिकेशन इन द स्पिरिट एंड वॉचिंग देयर अनटू विद ऑल परसिवरेंस एंड सप्लिकेशन फॉर ऑल सेंट्स। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 6 चैप्टर 18 वर्स। Praying always with all prayer and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 18 वचन, हिंदी में BSI बाइबल से। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।